दोस्तों अभी हम चाक घाट में हूँ, जो कि अभी एमपी से आ रहा हूँ, तो यूपी और एमपी के बॉर्डर पे खड़ा हूँ, चाक घाट में खड़ा हूँ। और अगर आप इधर जाएंगे तो प्रयागराज चले जाएंगे, बाकी अगर आप इधर जाएंगे तो आप एमपी चले जाएंगे, और यहाँ से नागपुर जा सकते हैं, जबलपुर जा सकते हैं, सतना जा सकते हैं, कन्याकुमारी, जो कि यहाँ से कन्याकुमारी 2303 किलोमीटर है, नागपुर 572 किलोमीटर है, और जबलपुर 314 किलोमीटर, सतना 141 किलोमीटर है। तो अभी यहीं पे हम बॉर्डर पे खड़ा हूँ, जो कि एमपी से निकल चुका हूँ और यूपी की तरफ चल रहा हूँ, प्रयागराज की तरफ। तो यही ढाबे पे मैं रुक गया हूँ, बॉर्डर पे ही अपने रुका हूँ, और मैं सोच रहा हूँ यहीं पे क्यों ना नाश्ता वगैरह किया जाए, जो कि यहाँ की बहुत फेमस दुकान है, बाबा ढाबा है। तो यहीं बाबा ढाबा पे हम लोग खड़े हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हाथ वगैरह धुल लेंगे, ये हाथ वाथ धुल लेते हैं, हाथ वाथ धुल लिए दोस्तों। बाकी ये दुकान है बाबा ढाबा, यहाँ पे छोला समोसा मशहूर है, रसगुल्ला मशहूर है, और यहाँ पे भोजन भी मशहूर है, थाली मिलती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये सब बनाया जा रहा है, टिकिया वगैरह सब, और समोसा भी है, समोसा जो कि 30 रुपये प्लेट है, और कुल्हड़ लस्सी 40 रुपया है, और लस्सी 35 रुपये में है, रसगुल्ला 20 रुपये में है, और ये दुकान के मालिक हैं। और जो कि दोस्तों ये दुकान बहुत ही पुरानी हो गई है, भैया से पूछते हैं, हमारे चैनल में स्वागत है आपका, क्या नाम रहा सर आपका? और सर आपके यहाँ क्या मशहूर है, और आपकी दुकान कितनी पुरानी है? सर हमारी दुकान है लगभग 50 साल पुरानी हो गई है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं भी लोगों को प्रोवाइड की जाती है, और अगर हमारे यहाँ का सबसे अच्छी क्वालिटी और सबसे बढ़िया नाश्ता माना जाए तो हमारे यहाँ का छोला समोसा, जो लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही लोग यहाँ पर पसंद करते हैं। तो वही हमने दो बार नाश्ता तो किया, लेकिन मैं सोचा अपने दर्शकों को क्यों ना बता दिया जाए कि जो एमपी जाते हैं या जो एमपी से यूपी आते हैं क्या यहाँ पे एक बार स्टाफ ले। नहीं नहीं बिल्कुल, यहाँ पर खाने की क्वालिटी और बैठने उठने की व्यवस्था, साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है, तो आप लोगों से हमारा निवेदन है कि एक बार ज़रूर यहाँ पर विजिट करके खाने की क्वालिटी और नाश्ते की क्वालिटी को देख करके अपना आशीर्वाद और समय यहाँ पर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ सकें। धन्यवाद जी। तो दोस्तों एक बार आप लोग विजिट ज़रूर करिएगा। तो मैं यहीं पर रुका हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर व्यवस्थाएँ, आप लोग देख सकते हैं कितना साफ़ सफाई है, बाकी टेबल तो काफ़ी लगे हुए हैं, जगह है, और इनकी काफ़ी बड़ी होटल भी है। देखिए इधर भी चेयर लगे हुए हैं सब, ये भाई सेवा कर रहा है, पानी पिला रहा है हम लोगों को, और इधर भी देख लीजिए काफ़ी बड़ा ढाबा है, ये देखिए इधर भी है भाई का ढाबा, ये देख सकते हैं इधर भी है भाई, देखिए यहाँ पे इधर खाने का है, बाकी उधर नाश्ता वगैरह छोला समोसा, वो काफ़ी बड़ी दुकान है इनकी, ये देख सकते हैं। बाकी ये बता ही दिया हूँ, इधर प्रयागराज आप चले जाएँगे और इधर एमपी चले जाएंगे, उधर रीवा ज़िला पड़ेगा, जस्ट ये बोर्ड के उधर रीवा ज़िला पड़ेगा, और इधर जस्ट प्रयागराज पड़ेगा, जो कि बॉर्डर पे खड़े हैं बाबा ढाबा। बाकी यहाँ का पान भी बहुत मशहूर है, इनके बगल में ही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।